और ये क्या सांप की तरह लहर के जा रहा है, ये ट्रक फेल ना हो जाए बस। वाइल्ड लाइफ वाले फार्म पे जो है काफी सारा काम पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है मैंने काफी सारा काम वैसे कर भी लिया है। यहाँ पे जो साथ में एक खेत था जिसमें पोटैटो लगे हुए थे वो मैंने परचेज कर लिया है और आज उसमें से पोटैटो हार्वेस्ट करने हैं। और मैंने पोटैटो हार्वेस्ट करने का थोड़ा सा ट्राई भी किया था बट वो हार्वेस्ट नहीं हो पाए, उनमें एक इशू है तो वो मैं इशू दिखाता हूँ उनमें इशू क्या आ रहा है। उसके लिए मुझे एक नया इक्विपमेंट और परचेज करके लाना पड़ेगा तब मैं वहाँ से पोटैटो निकाल सकता हूँ। पहले तो मैं जो है इस घोड़े को इसके बाड़ में छोड़ दूँ। ये दो घोड़े काफ़ी टाइम से ऊपर ही हैं अपने घर के पास और यहाँ पे इनके लिए खाना अवेलेबल नहीं है और ये भी जो है यहाँ पे मुड़ नहीं रहा। घोड़ा जो है इतनी तेज चल रहा था कि मुड़ ही नहीं पाया इतनी आसानी से। और यही वाला वो खेत है जो लेफ्ट में दिख रहा है जो मैं परचेज किया है और ये काफ़ी बड़ा खेत है, इसमें सारे यहाँ पोटैटो लगे हुए हैं। बस इस घोड़े को यहीं छोड़ना है और यहाँ पे घोड़े जो है पानी के पास घूम रहे हैं, इधर ही जो है पानी है यहाँ पे। और इस पॉन्ड से मुझे आज थोड़ा पानी लेके ना सप्लाई भी करना है। पिक बांध के अंदर पानी चाहिए और हॉर्स बांध के अंदर देखना पड़ेगा यहाँ पे चाहिए या नहीं चाहिए या फिर ये घोड़े यहीं से डायरेक्ट पानी पी रहे हैं। तो पानी का काम भी करता हूँ, पहले पोटैटो का काम स्टार्ट करना है। तो पोटैटो के काम के लिए मैं एक बार पोटैटो के खेत के पास चलता हूँ, वहाँ मैं हार्वेस्टर तो खरीद के ले आया था। तो हार्वेस्टर लाने के बाद मुझे पता चला कि हार्वेस्टर डायरेक्ट हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि पोटैटो जो है ज़मीन के नीचे से निकालने होते हैं, ये डायरेक्ट निकलेंगे नहीं ऐसे। ये जो ऊपर के पेड़ है पहले ये काटने पड़ेंगे, इसे काट के हटाना पड़ेगा, उसके बाद हार्वेस्टर यहाँ से जो है ज़मीन से डिग करेगा पोटैटोज को। अभी मैं हार्वेस्टर तो ले आया हूँ बट ये ऊपर के जितने भी प्लांट्स हैं इनको काटने के लिए एक और इक्विपमेंट आता है वो मुझे ले आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक ट्रैक्टर चाहिए होगा। वैसे जो है एक ट्रैक्टर मुझे नया परचेज भी करना है और अभी बैलेंस तो काफ़ी कम है, लीज पे ले लूँगा। एक ट्रैक्टर नया आया है वो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, उसके साथ ही अटैच करके ले आता हूँ उस वाले अटैचमेंट को। और एक बार इसका हार्वेस्टर भी दिखा देता हूँ, यहीं पे खड़ा हुआ है ये रहा इसका हार्वेस्टर। ये मैं इस वाले ट्रैक्टर पे अटैच करके ले आया था, ये अपना सबसे बड़ा ट्रैक्टर है अभी फिलहाल जो अपने पास है, बाकी इससे बड़े ट्रैक्टर भी आते हैं। तो अब यहीं से जो है शोरूम सामने ही है, इस वाले रोड के बिल्कुल एंड में है, वहाँ पे दिख भी रहा है थोड़ा सा। तो उधर से चल के एक ट्रैक्टर रेंट पे लेता हूँ और वो पोटैटो का प्लांट काटने वाला इक्विपमेंट रेंट पे लेता हूँ। तो यह ट्रैक्टर मैं यहाँ परचेस करने वाला हूँ फीएट X70 सीरीज। ये फोर व्हील ड्राइव वाला ट्रैक्टर है, इसके चारों टायर्स में पावर आती है। तो इसे कॉन्फ़िगरेशन में आगे मैं वेट लगवा देता हूँ जिससे ट्रैक्टर ये उठे ना आगे से। तो आगे मैं इसमें थोड़ा वेट लगवा देता हूँ। और व्हील्स जो है इसके नैरो वाले तो बहुत बेकार लग रहे हैं, ये वाइड वाले टायर्स इसके अच्छे लग रहे हैं। उसमें दूसरे ब्रांड के टायर देखता हूँ थोड़े से डिफरेंट तरीके के आ जाएंगे। ये भी सही नहीं लग रहे, नहीं ये मिशलिन वाले ठीक लग रहे हैं। और इसमें डिज़ाइन में यहाँ पे इसका साइलेंसर चेंज हो सकता है, ये पतले वाला साइलेंसर है इससे जो है आवाज़ काफ़ी सही आएगी। इसमें जो है ये स्ट्रेट वाला साइलेंसर लगवा देता हूँ, ये बिल्कुल जो स्ट्रेट है ऊपर की तरफ। और केबिन में ऊपर इसके जो है कैनोपी लग सकती है, तो कैनोपी लगवा लिया इसमें ऊपर। और अटैचर तो यही है। और इंजन की ऑप्शन में एक इंजन इसमें जो बाई डिफ़ॉल्ट आता है वो 67 हॉर्स पावर का है, बट इसमें मैं अपग्रेड करा के 100 हॉर्स पावर वाला लगवा लेता हूँ। बाकी कलर वगैरह तो सब कुछ ठीक है, इसका कलर वगैरह तो चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है और ठीक लग रहा है। इसको जो है अभी रेंट पे लेता हूँ, 1813 यूरो रोज के बैठेंगे इसके। और अब इसके लिए लेता हूँ अटैचमेंट जो मुझे लेनी है। तो ये आता है जो ऊपर से सारे की सारी फोलियस को काट देता है, इसको होम टॉपर बोलते हैं। वैसे तो 10,000 यूरो का है बट इसको रेंट पे लेता हूँ तो ये जो मुझे 510 यूरो का पड़ेगा। तो ये छोटे वाला है, ये 3.2 मीटर का है और एक दूसरे वाला भी है 6 मीटर का है। बट इसके लिए ट्रैक्टर की पावर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इसके लिए 200 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। और वैसे इसका साइज़ तो ठीक है बट अपना ट्रैक्टर छोटा है, अपना ट्रैक्टर 100 हॉर्स पावर वाला जो मैंने लिया है इसलिए ये वाला ले लेता हूँ। इसके लिए खाली 65 हॉर्स पावर चाहिए तो इसे रेंट पे ले लिया। ये आ चुका है यहाँ पे ट्रैक्टर और ये आ चुका है होम टॉपर। होम टॉपर जो है इसमें पीछे टायर हैं तो ये इजीली चला जाएगा, ट्रैक्टर को इतना खींचने में से दिक्कत नहीं होने वाली। और ये ट्रैक्टर जो है इसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा पावरफुल लिया क्योंकि इस वाले होम टॉपर को 67 हॉर्स पावर ही चाहिए और ट्रैक्टर अपना 100 हॉर्स पावर का है। और ट्रैक्टर देखने में काफ़ी सही लग रहा है, इसे स्टार्ट करके भी देख लेता हूँ इंजन इसकी कैसी आवाज़ कर रहा है। तो ये आवाज़ सही करना चाहिए, सही है आवाज़, ज़्यादा तो नहीं है, हाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है और सही लग रही है। और इसका अंदर जो है इंजन घूमते हुए दिख रहा है इधर से, और इस साइड से तो कुछ ऐसा घूमते हुए नहीं दिख रहा, आए का भी नहीं दिख रहा, बट इधर से ये दिख रहा है अंदर थोड़ा सा फ़ैन घूम रहा है ये भी दिख रहा है इंजन का। ठीक है चलो इसे अब अटैच करता हूँ उससे, और अटैच तो हो जाना चाहिए, अटैचमेंट का तो कोई इशू नहीं है, अटैचमेंट तो इसमें सारी की सारी है, हो गया अटैच बस। अब इसे ले चलता हूँ और एक बार अंदर का व्यू करता हूँ। ऐसे वाले ट्रैक्टरों में जो है अंदर का व्यू काफ़ी सही दिखता है, उसमें जो सामने मीटर वगैरह है तो बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह है। और ये ट्रैक्टर जो है अच्छा लग रहा है चलाने में, खुले वाले ट्रैक्टर जो है ये काफ़ी सही लगते हैं, केबिन वाले में इतना सही मज़ा नहीं आता, बट केबिन वाले में जो है अंदर फीचर्स काफ़ी सारे होते हैं तो इसलिए जो है वो बड़े काम करने के लिए ठीक है, बट ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए तो ये वाला ट्रैक्टर काफ़ी सही है। और इसका हॉर्न चेक कर लेता हूँ, हॉर्न भी इसका काफ़ी बेसिक्स है, तो हॉर्न बड़े नॉर्मल लगाए हुए हैं इन ट्रैक्टर्स के अंदर, थोड़े अच्छे हॉर्न लगाए चाहिए बड़े वाले ना। बस इसी वाले खेत में जाना है मुझे,
तो यहीं से ले लेता हूँ। और अभी इस हार्वेस्टर को थोड़ा साइड में पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ट्रैक्टर आके रुक जाएगा यहाँ पे। इधर मैं वर्कर लगाने वाला हूँ और वर्कर फंस के फिर खड़े हो जाते हैं। बस इधर की साइड आ गया, अब यहाँ वर्कर असाइन कर देता हूँ। क्या हो गया, वर्कर क्यों काम नहीं कर रहा है यहाँ पे? वर्कर काम नहीं कर पाएगा क्या यहाँ पे? या मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा क्या? एक मिनट करके देखता हूँ। ये भी काट क्यों लिया इसको, इसमें क्या इशू हुआ है? उतर के देखना पड़ेगा इसमें इशू हुआ क्या है। तो ये भी हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हुए हैं, ये भी ग्रोइंग आ रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। वैसे ये फर्टिलाइज तो है और अगस्त का मंथ चल रहा है, वैसे इन्हें रेडी हो जाना चाहिए था, बट एक दो दिन में शायद रेडी हो जाएंगे। और ये फील्ड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो है काफ़ी सारे पोटैटो निकलने वाले हैं। और ये पोटैटो मैं अपने पिक्स को देने वाला हूँ और बाकी कुछ पोटैटो सेल भी करने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे पोटैटो उसकी ज़रूरत तो है नहीं। अब एक काम करता हूँ, जो मैंने एक ट्रक बनाया था, मतलब जिसकी मैंने रोड ट्रेन बनाई थी, वो सामने वाले खेत में खड़ा हुआ है, उसको मैं सेल करके आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है सारा हार्वेस्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ से सारे गेहूँ मैं निकाल चुका हूँ, तो उस वाले ट्रक में दो ट्रॉली फुल हो गई हैं गेहूँ से, उन्हें सेल कर आता हूँ। और उसके बाद आके एक बार यहाँ पे जो है इन एनिमल्स को पानी भी दे देता हूँ, बट पहले उसे सेल करके आना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस अभी थोड़ा सा कम है। और उससे मेरे को लग रहा है 70-80 हज़ार यूरो तो मिल जाना चाहिए। हार्वेस्टर यहाँ खड़ा हुआ है और ये वाला खेत था जो मैंने पूरा हार्वेस्ट कर लिया है, अब ये खा लिया है। वैसे मुझे एक ट्रैक्टर ला के कल्टीवेटर यहाँ पे भी लगाना है, इस खेत को भी तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए रेडी करना है। और ये रही अपनी रॉड ट्रेन जो मैंने इस ट्रक से बनाई हुई है, और इसमें दो ट्रॉलियाँ तो बिल्कुल फुल हो रखी हैं, और तीसरी वाली ट्रॉली में शायद थोड़ा सा पड़ा हुआ है, एक बार ऊपर से देख भी लेता हूँ। ये दो तो बिल्कुल फुल है और तीसरे वाली खाली है ऑलमोस्ट, पीछे की पांच खाली हैं, आगे की दो फुल हैं बस। अब इसे ले चलता हूँ सेल करने के लिए, इन दो ट्रॉलीज़ को तो सेल करके आता हूँ और इधर से निकाल लेता हूँ। यहाँ से है रास्ता, वो सामने वाला रोड जो है उस पर जाना है मुझे, और इसे थोड़ा देख के निकालना पड़ेगा, कहीं ये टच ना हो जाए किसी से। वह तो इतना टफ भी नहीं है इसको चलाना, मुड़ तो इजीली जाता है, टच तो नहीं होता कहीं पे भी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी इजीली मुड़ गया, पीछे से शायद हल्का सा टच हो सकता है, नहीं हुआ, निकल गया। ये तो यहाँ पे ग्रोसरी का है, सेल करने का शायद इससे आगे वाले में है। इधर मैंने एक बार ही सेल किया है तो मेरे को लग रहा था यहीं पर है, बट यहाँ पर तो मेरे को दिख नहीं रहा। तो ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में दिख गया। और यहाँ पे तो जगह भी काफ़ी है इस ट्रक को मोड़ने के लिए, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो यहाँ से मोड़ लेता हूँ, यहाँ से चला जाएगा। अब पीछे से देख लूँ, पीछे से यहाँ पे टच होने के थोड़े से चांसेस तो मेरे को लग रहे हैं। और ये क्या सांप की तरह लहर के जा रहा है, ये ट्रक फेल ना हो जाए बस। थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ दिया मैंने ना, इतने में तो ये ट्रक टच हो सकता है। पीछे से टच हो गया वहाँ कॉर्नर पर, मैंने इधर से गलत मुड़ा, मुझे वहाँ सामने से लाना चाहिए था। उधर की साइड जो है ये फेंसिंग नहीं थी, इधर ये जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं। अब ये किस तरीके से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको बाहर निकालना भी इतना आसान नहीं है, ये पीछे से सारा मुड़ गया। अब यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से बाहर निकल पाता है या नहीं निकल पाता। यहाँ से निकल तो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा पेड़ में अड़ गया एक में, उस पेड़ को देखता हूँ मैं काट पाऊँगा नहीं काट पाऊँगा। ये पेड़ वैसे यहाँ पे काटना अलाउड है या नहीं है एक बार देख लेता हूँ, नॉट अलाउड लिखा आ रहा है इधर तो। ये काटने तो इस पेड़ को मेरा ट्रक निकल जाएगा, नहीं तो ट्रक फंसा हुआ है यहाँ पे। ये काटने ही नहीं दे रहे इस वाले पेड़ को, थोड़ा सा देखता हूँ एक बार पीछे करके, फिर ट्राई करेंगे क्या पता निकल जाए यहाँ से। थोड़ा सा अटक रहा, ज़्यादा अटक नहीं रहा। नहीं ये फंस गया, ऐसा निकलेगा नहीं। अब मुझे जो है कोई ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा तब जाके ये जो है निकलेगा यहाँ से। और मैंने गलती कर दी, मेरे को उधर ले जाना ही नहीं चाहिए था, इसमें आगे से जो है काफ़ी ज़्यादा जगह है मोड़ने के लिए, वहाँ से ईजिली मुड़ जाता, बट मैंने पहले यहीं से ही मोड़ दिया। तो ये वाला टैली हैंडलर लेके चलता हूँ, इससे जो है निकल जाएगा, इससे थोड़ा सा धक्का मार दूँगा। और इस वाले टैली हैंडलर की स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 43 की है, तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो चलता है। ट्रैक्टर इससे फास्ट चल लेते हैं, अपना जेसी वाला ट्रैक्टर तो ये 60-70 तक पहुंच जाता है। बस यहाँ से इधर से ही खिसकाना शुरू करता हूँ, थोड़ा सा खिसका तो सही है, ये वाला तो हो गया। अब थोड़ा सा जो है आगे से करता हूँ, जहाँ से पेड़ से हट रहा है ना, इधर की साइड से ये वाला डब्बा है, बस हो गया थोड़ा साइड। अब एक बार ट्राई कर लेता हूँ,
अभी भी नहीं निकला, इसको पूरा ही खिसकाना पड़ेगा। बस सही ऐसे जगह जाके है वो, थोड़ा सा भी गैप है ही नहीं इधर से, ये बिल्कुल इस पर टच हो रहा है, यहाँ पे ही फंस गया। ये ट्री को मैं काट पाता तो काम अपना हो जाता इजीली। बस एक बार ट्राई करता हूँ, अगर अभी नहीं निकला तो ये जो है चार डब्बे आए के हैं और तीन पीछे के हैं, तो यहाँ से खोल दूंगा इसको, आगे के चार डब्बों को भी ले जाऊँगा, इन तीन डब्बों को बाद में निकाल के ले जाऊँगा, ट्रक को खाली करके ले आऊँगा और ट्रक अकेला इन तीन डब्बों को तो खींच के ले ही जाएगा यहाँ से। अभी पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या होता थोड़ा सा निकल जाए, नहीं निकल रहा, तो एक काम करता हूँ चार नंबर के बाद के डब्बों को सारों को खोल देता हूँ। अब निकल गया, पीछे का हट गया, आए के तीन डब्बे अलग हो गए, तो अभी आए के तीन डब्बों में से दो डब्बों में गेहूँ है, वही सेल करना है मुझे। तो दगी साइड से लेके आता डायरेक्ट, तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जगह थी, यहाँ पे तो मोड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पे आई अनलोड करने की ऑप्शन, तो यहाँ पे सारे गेहूँ अनलोड कर देता हूँ। ये नीचे से अनलोड होने लग गए हैं और अब देखते हैं यहाँ से कितना बैलेंस मिलता है। तो सारे सारे गेहूँ सेल कर दिए हैं और 57-58,000 के आसपास का जो है टोटल इनकम हुई है अभी दो फुल ट्रॉली से। तो एक ये फुल ट्रॉली 29,000 या 28,000 के आसपास का प्रॉफिट दे देती है। और इस ट्रक को अभी यहाँ साइड में पार्क कर देता हूँ, क्योंकि बाकी जो डब्बे हैं उनको भी रिकवर करके ले जाना है, और उनको रिकवर करने के लिए कोई बड़ा ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा। तो अभी इस ट्रक की फ़िलहाल ज़रूरत तब पड़ेगी जब अपने पोटैटो हार्वेस्ट होने लग जाएंगे, तो अभी टेम्परेरी इसको यहाँ ही छोड़ देता हूँ और इस वाले टैली हैंडलर को लेके चलता हूँ। और अभी जो है 1,00,000 यूरो से ऊपर का बैलेंस हो गया है, तो एक बार मुझे शोरूम पे भी जाना है, वहाँ पे एक बिल्कुल नई कस्टम जीप आई है वो मुझे लेनी है, और उस जीप से ही पानी का टैंकर खींच के मैं जो है एनिमल्स को पानी दे दूँगा, तो उस जीप की टेस्टिंग भी हो जाएगी। और ये वाली वो नई जीप है जो आई है, और ये फोर डोर वाली प्रॉपर जीप है, और पीछे इसमें स्पेस भी है। तो ये जीप ग्लाइडर रूबिकॉन है, और इसमें जो है काफ़ी सारी डिज़ाइन के चेंजेस भी मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी इसकी रूफ नॉर्मल है, इसमें मैं ऊपर ये वाला कैरियर और पीछे ये वाली अटैचमेंट भी लगा सकता हूँ, बाकी ऊपर खाली कैरियर भी लगा सकता हूँ, या दोनों चीज़ें लगवा सकता हूँ, दोनों चीज़ें लगवा देता हूँ ज़्यादा ठीक है। और इसमें एक लाइट वाला ऑप्शन भी है, अभी देख लेता हूँ। हाँ, ये कैरियर में जो है आगे लाइटें भी हैं, ये लाइटें वाला सही लग रहा है। और ये साइड स्टेप जो है नॉर्मल, अभी ये क्रोम वाली हैं, इनको मैं ऐसे ब्लैक वाली करा सकता हूँ। फ्रंट में आगे वेट लगवा सकता हूँ, वेट ना लगवा के ये वाला ठीक है, ये जो हुक होता है इससे जो है गाड़ी कहीं फंस जाए तो इजीली निकल सकती है। बाकी अटैचर में जो है ट्रेलर हिचेस के अंदर लगा हुआ ही है, और इंजन इसमें 3.6 लीटर वाला अभी V6 है 285 हॉर्स पावर का, और इसमें अगर मैं ट्यून्ड वाला लगवा लूँगा तो 340 हॉर्स पावर का हो जाएगा। और इसमें कलर तो इसका ये काफ़ी सही लग रहा है, बस ये जो रूबिकॉन लिखा हुआ है ना इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ, तो ये ब्लैक में ठीक लग रहा है। हाँ, ये ब्लैक में अलग से दिख रहा है। उसके अलावा रिम्स का कलर भी ठीक है, रिम्स में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, रिम्स तो मुझे इसके यही वाले लेने पड़ेंगे, रिम्स तो मैं इसके चेंज भी नहीं कर सकता। और ये रोल बार वाला कलर कौन सा है? अच्छा, ये पीछे वाला यहाँ का कलर है, इसको अगर मैं किसी और कलर में कराऊँ, ऐसे कलर में भी ठीक लग रहा है। और इंटीरियर कलर तो ठीक है, रिम्स का ठीक है, लोगों का हो गया। कार का ये जो सेकंड कलर है ये छत वाला कलर होगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा है, ये नहीं करवाता, ये भी नहीं, थोड़ा और कोई कलर चूज़ कर लेते हैं, ये ऐसा ही ठीक लग रहा है, ऐसा ही करवा लेता हूँ। और इसका अगर मैं मेन कलर चेंज करके कुछ इस तरीके का कर दूँ, नहीं ऐसा भी नहीं, ग्रीन चल सकता है, ग्रीन में फिर भी ठीक लग रही है, येलो ओल्ड ज़्यादा सही लग रहा है, ये थोड़ी मैट सी फिनिश में है ये वाला कलर, या फिर थोड़ा मेटालिक भी तो आता है इसमें, ये येलो मैट है और इसमें एक येलो मेटालिक है, मेटालिक इतना अच्छा ही लग रहा, ये येलो जो ओल्ड वाला कलर है ये सही लग रहा है, यही कलर लेता हूँ, ये कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। और ये 48,370 यूरो की है, तो इसे मैं डायरेक्ट परचेज ही कर लेता हूँ, क्योंकि इसे तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ, ये काफ़ी सही है। तो ये अपनी नई जीप ग्लाइडेटर रूबिकॉन, और ये क्या सही लग रही है इस कलर में, मुझे लग नहीं रहा था कि इस कलर में इतनी सही लगेगी, और पीछे से भी जो है काफ़ी ज़्यादा सही हो गई है ये, और ये पूरी कस्टम है, इसमें टायर वगैरह काफ़ी सही लगे हुए हैं। अब इसे एक बार चला के भी देखते हैं, और पहले तो मैं इसके इंटीरियर देख लूँ, इंटीरियर में भी जो है कलर चेंज हो गया है, जैसा कलर मैंने बाहर कराया वैसा कलर अदर हो गया है, और सीट वगैरह तो नॉर्मल है, बट ये इंटीरियर का जो डैशबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, ये तो बहुत सही मैच कर रहा है इस गाड़ी के साथ। और ऑटोमेटिक है, 4x4 का गियर भी है, और अब इसे चला के देख लेते हैं, टॉप स्पीड तो 220 की है। और बाहर की एक बार ये लाइटें भी ऑन करके देखूँ, ये फ्रंट वाली लाइटें हैं, इसमें अंदर प्रोजेक्टर लैंप्स भी हैं, ये वाली सारी लाइटें ऑन होके तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और अब जो है इसे ले चलता हूँ फार्म पे, और फार्म पे जरा इससे मैं एनिमल्स को पानी भी दे दूँ, वो मैं सिर्फ ऐसी चेक करके देख रहा हूँ कि इस गाड़ी की में पावर कितनी है, कि पानी का भरा हुआ टैंकर ये खींच पाएगी या नहीं खींच पाएगी, वैसे तो ईजिली खींच लेगी,
और ये सामने जो है मैंने एक ड्राइवर को भेजा था। ये चला कैसे रहा है? अबे क्या कर रखा है, ये कौन से नशे में है, इधर उधर चला के लेके जा रहा है। इसको मैंने टैली हैंडलर ले आने के लिए कहा था और अभी तक ये यहीं पे पहुंचा है, और चलाने का तरीका ही इसका कुछ अलग है। ओ भाई, इससे पहले ओए क्या कर रहा है, चढ़ा दिया उसके ऊपर। अबे पागल, क्या किया इसने? ओ तो ये तो बड़े खतरनाक और हैवी ड्राइवर है, इन्हें अगली बार हायर नहीं करना। इन्हें गाड़ी तो बिल्कुल चलाने के लिए दे दी, ऐसे ट्रैक्टर वगैरह तो फिर भी ठीक है, अगर मैंने इन्हें गाड़ी दे दी तो ये तो नई गाड़ी का काम तमाम ही कर देंगे। वो तो जो है टैली हैंडलर काफ़ी हैवी है, इसलिए जो है उसमें कोई नुकसान हुआ नहीं। एनिमल्स को पानी देने के लिए आगे से जाना पड़ेगा, और अपनी एक ये पुराने वाली जीप यहाँ खड़ी हुई है ओपन वाली, ये मैं इधर पार्क कर रखी है। ये रहा पानी का टैंकर, इसे बस इससे अटैच कर लेता हूँ। हो गया अटैच, और अब रिवर्स करके चले पॉन्ड के अंदर लेके जाना है ताकि मैं से पानी भर सकूँ, इतना काफ़ी है, इतने में आ जाएगा पानी। और इसमें आगे जो है DRL भी हैं, ये DRL जो है इसकी जली हुई है, ये ऑफ नहीं हो रही। इस टैंकर में 1 लाख लीटर पानी आ जाता है। ये टैंकर देखने में तो छोटा लग रहा था बट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इस टैंकर की, और 1 लाख लीटर पानी में तो वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इस जीप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये जीप जो है आराम से काफ़ी हैवी वेट खींच सकती है, कोई इशू इसे होगा नहीं। और पहले मुझे पानी देना है इस पिक्स वाले में, तो पिक्स वाले में पानी देने की ऑप्शन है कहाँ पे? उधर की साइड कहीं पे होगी, इधर तो ये स्लरी वगैरह लेने की ऑप्शन है, इधर तो पानी देने की ऑप्शन आया ही नहीं पिक वाले में। पिक वाले में शायद ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है पानी, इधर वो ट्राई कर लेता हूँ, इधर आ गई तो ठीक है, और उधर शिप वाले में तो मैनुअली देना ही पड़ेगा। नहीं, इधर नहीं आ रही, इसमें ऑटोमेटिकली है पानी का सिस्टम, और इसमें देना पड़ेगा शिप वाले में मैनुअली, तो शिप वाले में ले चलता हूँ। शिप वाले में तो है यार पानी का, बाहर अलग से लगा हुआ है। इधर तो आ गई पानी की ऑप्शन, यहाँ पे पानी खाली कर देता हूँ, और ये इसके अंदर पानी आने भी लग गया। काव वाले में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, और हॉर्स वाले में एक बार ट्राई करना है, हॉर्स वाले में और देख लूँगा इसके बाद। तो ये तो पानी का फुल कर दिया इनका, शीप्स के लिए पूरा प्रॉपर पानी आ गया है। अब यहाँ से बस एक बार हॉर्स वाले में और देख लूँ, उसमें अगर ज़रूरत होगी तो उसमें भी दे दूँगा, और उसमें अगर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है पानी डालने की। ऐसे इसमें भी जो है ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, और इसके पास तो पॉन्ड भी है सामने ही, और वहाँ पे जो है एक विंड मिल भी लगी हुई है, तो इधर शायद ऑटोमेटिकली आ जाता है अपने आप। नहीं, यहाँ पे भी नहीं आई पानी की ऑप्शन, तो इधर भी जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब बस इस वाले वाटर टैंकर को आगे छोड़ता हूँ थोड़ा सा ले आके, और ये घोड़े अपने यहाँ पर घूम रहे हैं, और इस गाड़ी को भी फ़िलहाल यहीं पर छोड़ता हूँ, इधर ही पार्क रहता हूँ हॉर्स बार्न के अंदर, बाद में इसको आके ले जाऊँगा, अभी फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत है नहीं। और अभी एक बार जो है मैं देख लूँ कि काउस के लिए खाना है भी या नहीं है, क्योंकि काउस के लिए मैं लास्ट टाइम यहाँ पे खाना बनने के लिए डाल तो दिया था, अब उसके बाद यहाँ पे जो है खाना बचा भी या नहीं बचा, वैसे थोड़ा बहुत तो बचा होगा, काफ़ी सारा खाना डाला था मैंने यहाँ पे। और अपना जो है एक ट्रैक्टर यहाँ पार्क को रखा है, और एक ट्रैक्टर ये सामने पार्क को रखा है, और एक ये यहाँ पे ही पार्क को रखा है। ट्रैक्टर तो मैंने सारे यहीं पर पार्क कर रखे हैं, खाना तो पड़ा हुआ है अभी, खाना तो है, साइलेज बस थोड़ी कम है बट चल जाएगी 2 दिन तो। और ये रोबोट यहाँ से खाना बना के लेके जा रहा है, ये शायद अटक के खड़ा हो गया है। और इस रोबोट में ये कैमरे लगे हुए हैं, ये इन कैमरास के थ्रू जो है रास्ता डिटेक्ट करता है। ये थोड़ी सी ट्रॉली मुझे आगे करनी पड़ेगी तब ये यहाँ से जाएगा, ये इस ट्रॉली में अटक गया, ये ट्रॉली आगे कर दी, अब तो चले जाना चाहिए, ये जा रहा है चल के ऑटोमेटिकली। ये सही है, ये खाना बना के लेके जाता है यहाँ से, और अंदर काउस के लिए खाना डाल के आता है, और सारे में फैला के आता है, यहाँ साइडों में डालते हुए जाएगा आराम से। अभी काओ वहाँ पे है तो वहीं पे जाके डालेगा क्या? बिल्कुल एकदम, तो शायद यहाँ पे लाके डालेगा, यहाँ पे लोकेशन मार्क रखी है ना, यहाँ पे भी नहीं डाला, ये खाना डालेगा अभी, ऐसे घूम के चला जाएगा बाहर से वापस। ये क्या कर रहा है, ये इधर से घूम के आया है, और पहले एक बार शायद चेक करते हुए गया है, और अब खाना डालते हुए जा रहा है। हाँ, ये खाना नीचे निकल रहा है, तो सही है, पहले इसने पूरा चेक कर लिया कहाँ का खाना डालना है, और फिर यहाँ से खाना डालते हुए आया। इसमें दो दो कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा इस साइड देखने के लिए है, एक कैमरा इस साइड देखने के लिए है, तो सही है, चलो ये तो ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा झंझट होती नहीं, यहाँ पे बस लाके खाना डालना होता है। और यहाँ पे अभी मैं लाके इसको बिल्कुल एकदम फुल कर दूँगा तीनों को, और यहाँ पर मिनरल फीड भी ला के डाल दूँगा, बाकी अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पोटैटो जो है बस रेडी होने वाले हैं हार्वेस्ट के लिए, और पोटैटो जैसे ही जो है रेडी हो जाएंगे वैसे ही पोटैटोज़ को हार्वेस्ट करना शुरू कर दूँगा। और पोटैटो का खेत काफ़ी बड़ा है, इससे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आएगा, और पिक्स का काफ़ी सारा फूड भी आएगा, और जो इससे सेल करके अमाउंट आएगा उससे काफ़ी सारा खाना आएगा अपने बाकी एनिमल्स का, और एक दो गाड़ी में और नई परचेज करूँगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।